तो जी मैंने ले लिया खतरा मोल, पीछे की साइड है मैक्लोडगंज और नीचे की साइड है धर्मशाला। तो आज पैदल कर रहा हूँ मैक्लोडगंज टू धर्मशाला। बता रहे 3 किलोमीटर है, तो जंगल में से होके जाना पड़ेगा। देखते हैं कैसा है रूट। जो कंक्रीट वाले रोड होते हैं ना, उन पर चलना मज़ा नहीं आता जितना इन रोड पर चलने में मज़ा आता है। एक फील ही अलग आती है, लगता है कि हाँ भाई कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, कुछ एडवेंचर टाइप की चीज़ हो रही है। यह शॉर्टकट है बेसिकली, टेम्पल से शॉर्टकट ले सकते हो। रोडगंज का जो दलाई लामा का जो टेम्पल है वहाँ से ही शॉर्टकट है। ऐसा नहीं है, प्रॉपर रास्ता तो बना हुआ है बट जंगल नहीं है प्रॉपर, बट तब भी ऐसे रास्ते पर फर्स्ट टाइम चलते बी सेफ। तो बेसिकली यही है कि अगर आपको इस टाइप की एक्टिविटीज करनी हो, सारा धर्मशाला और मैक्लोडगंज एक दिन में घूमना है, तो आपको सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। जो कि मैंने, जैसे मैं 8 बजे के करीब निकला था, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि रात को लेट सोया था, ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फटीक हो गई थी बॉडी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा साइड में हो जाऊँ पहले, वही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर जल्दी निकलना हुए तो फायदेमंद हो गए, सारी चीज़ें इजीली घूम लोगे आराम से। और अभी बज गए हैं 12, होपफुली 1 बजे तक पहुँच जाना चाहिए हमें। तो ऑलराइट गाइस, मेरे को मिले सुनील जी जो कि धर्मशाला तक छोड़ेंगे मेरे को। बेसिकली ये चैलेंजिंग ही है, किसी की लिफ्ट ले रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा है जिन्होंने मेरे को लिफ्ट दी है। अभी कोइंसिडेंटली मैंने थोड़ी देर पहले इनसे तो ये है जी श्रिंक। थैंक्स थैंक्स। ऑलराइट गाइस, पीछे की साइड में आ गया हूँ धर्मशाला के स्टेडियम पे, यहीं पे इंडिया के मैच होते हैं काफ़ी सारे। जो पहाड़ों के बीच में जो स्टेडियम नज़र आता है वो यही वाला स्टेडियम है। वहाँ से कमेंट्री होती है बेसिकली, और ये जो पॉइंट है वो नज़र आता है पीछे की साइड, वो पहाड़ की साइड से नज़र आता है। यहाँ से आप सबने देखा होगा लाइव जो होता है वो इधर की साइड से हो रहा होता है, कैमरा सेटअप जो होता है वो इधर की साइड होता है बेसिकली, ताकि लोकेशन अच्छी दिखे। पहाड़ी इधर की साइड है, पहाड़ी इधर की साइड नहीं है, जो इसका पब्लिक साइड है उस साइड को पहाड़ नहीं है, पहाड़ी इधर की साइड ही है। और जो स्टेडियम की एंट्री टिकट है वो 20 रुपीज़ है। सो ऑलराइट गाइस, अभी धर्मशाला के बाहर मेमोरियल के अंदर इधर हो रही है जेसीबी खुदाई, तो वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है। वॉर मेमोरियल ऑफ धर्मशाला, एक पार्क टाइप का रखा है, वॉर मेमोरियल इसी को कहते हैं, और गार्डन टाइप का है, कुछ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, बस उसी का नाम वॉर मेमोरियल लग गया। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वॉर से रिलेटेड, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, तो इस वजह से वॉर मेमोरियल उसका नाम पड़ गया। के नाम लिखे हुए हैं कौन सी घाटी के अंदर कौन कौन शहीद हुआ, और इसीलिए लगभग सारे मेरे को लग रहा है हिमाचल प्रदेश के ही थे जितने भी, जिनके भी नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे जंगल टाइप का पीछे लोग यहाँ पर बैठ के चिल कर रहे हैं।
खेती किसी को चाहिए यहाँ मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आके हूँ अभी टी गार्डन के अंदर जो कुनाल पथरी में है। बेसिकली ये 2 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है वार मेमोरियल धर्मशाला से, और पीछे की साइड मेरे टी गार्डन है जैसे कि तुम देख सकते हो। आप लोग देखो, मतलब बेसिकली ये है कि ये टी गार्डन इतना मस्त लग रहा है ना देखने में, आप वीडियो देखने से अकेले से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आओ, इस चीज़ को फील करो और उसके बाद देखो कि आपको क्या फील होता है। इतनी गजब की फीलिंग आ रही है मेरे को, यहाँ पर मज़े आ गया। गार्डन के अंदर चल के दिखा देता हूँ। मैं नहीं चल पाऊँगा, गिर जाऊँगा, बहुत ज़्यादा स्टीप है वो। बेसिकली वही लोग चल सकते हैं जो इस टी गार्डन के अंदर काम करते हैं। बस ये है टी गार्डन, यहाँ पर चाय उगाई जाती है, चाय का बगान जिसे कहते हैं। तो वो है, एक खा के देखी जाए थोड़ा ही खड़ा होता है यार। नीचे उतरना अपने को, प्लेस 6 था टी गार्डन जो कि कुनाल पथरी पे था। मैं आ गया हूँ अभी सेंट जॉर्ज चर्च पे जा रहा हूँ, इसलिए मैं आगे उतर गया था, फिर अब मेरे को दोबारा पैदल जाना पड़ रहा है उधर की साइड। लास्ट प्लेस था आज के डे में, 7th प्लेस सेंट जॉर्ज चर्च उधर की साइड। आगे जाम भी लगा हुआ था, इस वजह से उसने उतार दिया था पहले ही, तो मैंने भी यही समझा ज़्यादा बेटर कि उधर जाओ और देखते जाओ जब आए तो इधर। कैन यू हियर, आवाज़ सुन रहे हो? कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही है। This is the St. George Church and this is the sunset. Alright guys, that's the view of Dharamkot village और वो है highest peak वहाँ पर ऊपर की side, और ये धर्मकोट विलेज है। और मैं इस टाइम अब खड़ा हूँ अपने टेरेस पे जहाँ पर मैंने स्टे किया है, ये उसका टेरेस है और नीचे की साइड मेरा रूम है और ये है नज़ारे। मन ही ना करे किसी बंदे का यहाँ से जाने का, इतने बढ़िया नज़ारे हैं। हल्की हल्की ठंड हो गई है, ठंड लग रही है, इसलिए नीचे आकर नहा धो के अब सोता हूँ फिर मैं।